हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि हमें हमेशा से यही सिखाया जाता है कि अगर हम किसी खेल में उतरते हैं तो उसके पहले हमें उस खेल के पूरे ही पूरे एक्सपेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस एक्सपेक्ट, मतलब ये कि हमें खेलना क्या है, खेलने में कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, हर एक चीज। वैसे ही जैसे हम एमएससी एंट्रेंस एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि एमएससी की एलिजिबिलिटी क्या है, प्लस उसका पेपर पैटर्न क्या है, प्लस हम क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे, प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि कॉलेजेस का सिलेक्शन करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है, प्लस स्टडी मटेरियल का क्या इंतजाम करना है। ठीक है, तो इन सभी होल चीजों की बातें हम इस वीडियो में करेंगे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो उसी तरह पसंद आएगी जैसे आप मेरे हर एक वीडियो को पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है आप लोग के लिए कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, सो द टॉपिक ऑफ टूडेज वीडियो इज एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। स्माइल कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं एमएससी की, द फुल फॉर्म ऑफ द एमएससी इज मास्टर्स इन साइंस, है ना। That means कि आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया, नाउ यू आर एंटरिंग इन योर मास्टर्स डिग्री। ठीक है, और साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं आप उसी में एमएससी कर भी पाओगे, जैसे कि मैथ, बॉटनी, जुआलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। दीज ऑल आर द मेजर सब्जेक्ट जिसमें आप एमएससी करते हो। अब एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला है कि बीएससी, है ना, और बीएससी से पहले अगर मैं जाऊं तो 12th। अब ऑब्वियसली आपने 12th बहुत अच्छे मार्क्स से किए होंगे तभी आपने बीएससी किया हुआ है ना। फिर आप जैसे ही बीएससी कंप्लीट करोगे तो आपके 55% या 50% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, उसके बाद आप एमएससी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द एंट्रेंस एग्जाम पेपर पैटर्न, तो देखिए अगर मैं पूरे एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका ड्यूरेशन 2 से 3 घंटे का होता है, लाइक जो आपके एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटीज वगैरह के द्वारा होते हैं, वहां पे 2.5 आवर्स मिलते हैं या 3 भी मिल सकते हैं। उसके अलावा अभी एंट्रेंस एग्जाम एमएससी के लिए आप सीयूईटी के थ्रू भी भर पाओगे। ठीक है, ऑलरेडी एग्जाम के फॉर्म जो हैं वो फिल हो चुके हैं, है ना, और अब यूनिवर्सिटी के फॉर्म आना स्टार्ट हो गए हैं, तो सीयूईटी के थ्रू अगर दोगे तो वहां पे भी 3 आवर 2 आवर का पेपर जो है पैटर्न होता है। डिपेंड्स कि आपका यूनिवर्सिटी क्या है, उस हिसाब से पेपर वो अपना 2 से 3 आवर में करवाता है। ठीक है, एग्जाम का टाइम बेसिकली एमसीक्यू होता है। ओके, नाउ एमसीक्यू इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द डीडीयू यूनिवर्सिटी तो वहां आपको 150 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कट ऑफ वगैरह के हिसाब से आपका एडमिशन वहां पर होगा। तो मान लीजिए कि आपको, मैं डीडीयू का रेफरेंस मानती हूँ, तो 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस और 150 मार्क्स का भी होगा। सिलेबस की मैं बात करूं तो जो करिकुलम आपका अंडर ग्रेजुएट में था, जो कुछ जितने भी सब्जेक्ट्स आपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़े हैं, लाइक बीएससी में पढ़े हैं, सेम आपको यहाँ पर भी पढ़ना है। वहां आप जो अभी ढूंढ रहे हो ना कि व्हाट इज द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, व्हाट इज द सिलेबस फॉर बॉटनी एमएससी एंट्रेंस, व्हाट इज द सिलेबस फॉर जुआलॉजी एमएससी एंट्रेंस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। एक्चुअली आई एम टेलिंग यू द सिलेबस, जो सिलेबस आपका बीएससी में है, सेमेस्टर ईयरली जो भी आपका चला है, जो सिलेबस आपने बीएससी में पढ़ा हुआ है उसी का पूछा जाएगा एमसीक्यू आपके एमएससी एंट्रेंस में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत पिछले 10th 9th में चले जाओ, वो वाला सिलेबस पढ़ो या पीएचडी लेवल का पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बीएससी आप पढ़ के आए हो ना, आप बस उसे रिवाइज करो। और जितने, मान लीजिए मैं बॉटनी का एग्जाम्पल लेती हूँ, तो मैं अगर बताऊं सिलेबस तो देर इज लाइक उतना कोई ऑफिशियल सिलेबस की बात ही नहीं है। यहाँ पर यह है कि आपको लोअर बॉटनी से हायर बॉटनी पढ़ना है, लोअर जुआलॉजी से हायर जुआलॉजी पढ़ना है, तो देयर इज नो एनी स्पेशल सिलेबस एक्चुअली। आप केवल से केवल जितना आपने बीएससी में पढ़ा है उतना कवर कर लो, मोर देन 1000 क्वेश्चन लगा करके जाओ, आपका एमएससी एंट्रेंस निकल जाएगा। ठीक है, देन इफ आई टॉक अबाउट द मार्किंग स्कीम, तो 1 क्वेश्चन कैरी करता है आपका, एक नंबर भी कर सकता है, हाफ नंबर भी कर सकता है, 2 नंबर भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके से आएंगे, मान लीजिए कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ काफी ज्यादा हार्ड आपको मिलेंगे। और काफी जगह पर यूनिवर्सिटीज जो है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में निगेटिव मार्किंग होती है, तो उस चीज का आप ध्यान रखिएगा। लाइक डीडीयू की मैं बात करूं या एसयू की बात करूं, तो यहाँ तो आप नहीं देखोगे माइनस मार्किंग, लेकिन और जगह पर आई थिंक कि हो सकता है। ठीक है,
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कट ऑफ जितना आपका निकले, इफ आई टॉक अबाउट द डीडीयू, तो यहाँ पर 150 में से अगर आप 120 प्लस लेकर आते हो तो आप समझ जाओ कि आपको मेन कैंपस मिल जाएगा एंड यू आर डन एंड डस्टेड, ठीक है, यहाँ पर तो वो खत्म हो जाएगा, आप 120 प्लस लेके आओ, आपकी पूरी टेंशन ही खत्म, ठीक है. नाउ दिस इज योर सिलेबस पैटर्न, द स्लैब लाइक सॉरी एग्जाम पैटर्न, एंड एज आई सेड यू अबाउट द सिलेबस ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द टिप, व्हाट आर द टिप्स अकॉर्डिंग टू मी जो मैं आप लोग को देना चाहती हूँ एमएससी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, जो कि अभी हमने समझा कि आपका एग्जाम 2 से 3 घंटे का होगा, एमसीक्यू होंगे, 150 क्वेश्चंस आ सकते हैं, टॉपिक जो होंगे वो आपके ग्रेजुएट करिकुलम से होंगे, और 1 क्वेश्चन हाफ मार्क या फिर आपके 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर का भी हो सकता है. क्वेश्चंस इजी, मॉडरेट, हार्ड, तीनों टाइप के आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल इजी ही आएगा. और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका कट ऑफ बेसिस पे होता है, कितना नंबर उठा है उस हिसाब से आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा, ठीक है. अब मैं टिप्स की बात करती हूँ, तो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एज आई सेड. नाउ रिव्यू द सिलेबस थॉरली, वही सिलेबस की जब मैं बात मैंने की है, इफ आई टॉक अबाउट द बॉटनी अगेन, तो लोअर बॉटनी में आप जिम्नो पढ़ लो, ब्रायो पढ़ लो, टेरिडो पढ़ लो, आप एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज पढ़ लो, इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ लो, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ लो, रिप्रोडक्टिव बॉटनी पढ़ो, उसके अलावा आपको डील करना होगा इवोल्यूशन वगैरह, आप जुआलॉजी में पढ़ते हो, बॉटनी में तो नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है. इकोलॉजी द मेजर सेक्शन, आप वहां से पढ़ो. एल्गी वगैरह इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वो पढ़ो, ठीक है. फिर क्रिएट स्टडी रूटीन, अपना एक स्टडी रूटीन बनाओ, ठीक है, कि क्या कितने टाइम पे मुझे पढ़ना है और कितना मुझे समय देना है. नाउ यू आर डन विथ योर 6th सेमेस्टर पेपर, यू डोंट हैव एनीथिंग नाउ, है ना, कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपके एमएससी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो गो फॉर इट एंड मेक ए स्टडी रूटीन, ठीक है, जो आपको सूट करता हो और आप उस पर बहुत ही अच्छे से पढ़ पाओ. ओके, नाउ प्रैक्टिस पीवाईक्यू, टेक मॉक टेस्ट. पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे यूट्यूब वगैरह पे या साइट वगैरह पे, बट पीवाईक्यू अगर आप 1 या 2 भी लाइक टेंशन मत लो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ऐसा हो रहा है ना कि पेपर करा रही है फिर पेपर वापस ले ले रही है, जैसे आपने टिक वगैरह लगा दिया पेपर वापस ले लिया गया, तो उस चक्कर में आपको वो एंजाइटी नहीं लेनी है. आप अगर किसी भी ईयर का मिल रहा है, 2020 का मिल रहा है, 2021 का मिल रहा है, एक पेपर लगा लो, उसके बाद आप टारगेट रखो कि मुझे 1,000, 1,500, 2,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाने ही जाने हैं, और वही आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा. कोई भी बुक आप ऐसा बॉटनी जुअलॉजी का उठाओ, जो भी आपको रिस्पेक्टिव एमएससी करनी है, बॉटनी करनी है, जुअलॉजी करनी है, उससे 1,500 to 2,000 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, बस दैट्स एनफ, ठीक है. मेक कंसाइज नोट, यस कंसाइज नोट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. लाइक एक होता है इज एम दैट डैट, ये सब लगा के पूरी कहानी लिखना, वो कंसाइज नोट नहीं कहलाता है. लाइक लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन, इफ आई टॉक अबाउट द एल्गी, तो एल्गी में आपको चीजें याद होनी चाहिए कि एल्गी में रोडोफाइसी में कौन कौन से आते हैं, क्लोरोफाइसी में कौन कौन से आते हैं, फियोफाइसी में कौन कौन से आते हैं, ठीक है. लाइक आपका क्लोरोफाइसी हो गया, ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में आप देख रहे हो कि जितने भी ग्रीन एल्गी हैं, है ना, वो आएंगे क्योंकि क्लोरो मतलब ही ग्रीन होता है. ओके, तो क्लेमाइडोमोनास हो गया आपका, यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पायरोगायरा हो गया, वॉलबॉक्स हो गया, यूडोरिना हो गया, दीज ऑल आर योर क्लोरोफाइसी. तो ये कंसाइज नोट होता है कि ये एग्जाम्पल हमारा क्या है, ये एग्जाम्पल हमारा है क्लोरोफाइसी का. फिर आप जाओ आप पीओफाइसी में देखो, तो पीओफाइसी छोड़ो अभी, आप एक और मैं एल्गी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ. लाइक आपने सुना होगा ग्लैसीरेलिया के बारे में, है ना, फिर अगर अगर जिससे हमें मिलता है, जिलेडियम के बारे में आपने सुना होगा, वो सारी चीजें याद करो. फिर आप डिसीजेस के बारे में याद करो कि कौन सी डिसीज किससे होती है, तो ये सब कंसाइज नोट्स होते हैं. विटामिन ए से कौन सा डेफिशिएंसी होने से कौन सी डिसीज है, विटामिन बी से कौन सा डेफिशिएंसी है, ये सब चीजें आपको याद करनी है, और ये कंसाइज नोट होता है, ठीक है. उसके अलावा फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यस अगेन लाइक प्लांट फिजियोलॉजी में आपको बहुत सारी चीजें रटनी नहीं है. अगर आप, मैं बता रही हूँ, अगर आप बॉटनी के सारी सब्जेक्ट्स जितने भी मैंने बताए, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, एल्गी तो मैंने नहीं अपलोड किया है, ब्रायो किया है, जिम्नो किया है, टेरिडो नहीं किया मैंने, ठीक है. तो लाइक जितना आप मेरे से पढ़ लोगे, अगर मेरे से पढ़ लेते हो ना, तो आपका ये सारे पोर्शन तो बिल्कुल ही कंप्लीट है, ठीक है. और मैं जैसे प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं, तो बहुत ही लाइक मैंने बहुत एफर्ट लगा के वीडियोस उन पूरी प्लेलिस्ट को बनाई. अगर एक बार आप उसे पढ़ लोगे, तो प्लांट फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है. एंड दिस सेक्शन इज योर कॉन्सेप्चुअल सेक्शन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेसिस हर एक क्वेश्चन आते हैं. यहाँ रटा रटाया आपको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है. लाइक आपको पढ़ना पड़ेगा कि हाँ भाई ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है, क्रैब साइकिल कहाँ हो रहा है, पायरोलिसिस कहाँ हो रहा है, उसके अलावा आप क्रैब के बाद जाओ, ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है,
ये सारी चीजें आपको याद करनी है. माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक. वी विल डिस्कस इट लेटर इन आवर बॉटनीज एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, जब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी तब. नाउ स्टे कनेक्टेड विद द करंट अफेयर ऑल्सो, लाइक दिस पॉइंट इज एक्चुअली फॉर योर फिजिक्स केमिस्ट्री वाला टॉपिक, क्योंकि बहुत सारे अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं बड़े बड़े जगह पर, और आप इसमें भी जुअलॉजी एंड बॉटनी में भी सेम कंडीशन अप्लाई कर सकते हो. अवार्ड्स जो मिलते हैं उनके नेम कभी कभी आ जाते हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप एक होता है ना अपडेटेड रहो करंट अफेयर से अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चीजों के लिए. नाउ दीज ऑल आर आवर टिप, लाइक जो हम लोग को करना है, लाइक ठीक है. और स्टडी मटेरियल की मैं बात करूं तो आप टेक्स्ट बुक कोई अच्छी सी ले सकते हो, है ना. आप ऑनलाइन भी किसी चीज को प्रीफर कर सकते हो, लाइक आप मेरा चैनल ही अगर आप सब्सक्राइब कर दे रहे हो तो मैं खुद ही एमएससी एंट्रेंस बॉटनी की जो क्लास है वो आपके 10th लाइक मे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ रेगुलर मैं 30 क्वेश्चंस अपलोड करूंगी हिंदी प्लस इंग्लिश, सो दैट आपकी जो जर्नी है एमएससी एंट्रेंस की मैं उसमें आपका साथ दे पाऊँ और उसे थोड़ा हलवा क्लियर बना पाऊँ, ठीक है. तो या दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. 10 मई 2024 से आपके बॉटनी के एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एंड आपको 6 PM पर रोज आपको 30 क्वेश्चंस लाइक संडे को छोड़ करके आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा आपके बॉटनी से रिगार्डिंग. जुआलॉजी वाले बच्चे कहेंगे तो मैं उनके लिए भी क्लासेस चला दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रिवाइज ही करना है. नाउ रेफरेंस बुक आप ले सकते हो, आप कुछ भी लो या नहीं, आप ना एक ऐसी बुक लो, कोई भी ऐसी बुक लो जो बॉटनी या जुआलॉजी की हो, ठीक है. लाइक मैं बुक मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास एक बुक है, मैं उसका आपको फोटो क्लिक करके टेलीग्राम पे भेज दूंगी, ठीक है. जुआलॉजी की बुक है, काफी अच्छी बुक है, उसमें लाइक बहुत सारे अनलिमिटेड क्वेश्चन है, लाइक यू कांट काउंट इतने क्वेश्चन है. तो मैं उसका जो पिक्चर है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, तो वो आप जुआलॉजी के लिए प्रिफर कर लेना. लेट मी चेक इट फॉर द बॉटनी, क्या आप बॉटनी के लिए कौन सी एमसीक्यू की बुक प्रिफर कर सकते हो, ठीक है. आई विल टॉक दिस इन द टेलीग्राम, ठीक है, आई विल सेंड इट देयर. टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पेपर सॉल्व करना, जब भी सॉल्व करना तो 150 क्वेश्चन आप कितने देर में कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन आई एम सेइंग दिस कि अगर जब आप एक एग्जाम के हॉल में बैठे हो और आपके पास इतना पता है आपको कि नेगेटिव मार्किंग मेरे पेपर में नहीं है और मुझे 150 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं. उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे ही तुक्का लगा के आओ, बट लगा के आओ, ठीक है, 150 के 150 सॉल्व करके आओ. ओके, नाउ दिस ऑल योर स्टडी मटेरियल, अबाउट द स्टडी मटेरियल. नाउ कॉलेज सेलेक्शन की अगर मैं बात करूं कि कॉलेज सेलेक्शन, लाइक आप मान लो आपका पेपर हो गया एंड आपका यूनिवर्सिटी आपको जो मेन कैंपस चाहिए था वो मिल गया, ठीक है. आप काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मान लीजिए एंट्रेंस में नहीं निकला, तो उन्हें कॉलेज प्रिफरेंस अपनी देखनी पड़ेगी कि मुझे फर्स्ट पे क्या रखना है, सेकंड पे क्या रखना है, थर्ड पे क्या रखना है. तो मैंने उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द एक्रेडिटेशन, ठीक है. बहुत जरूरी है ये समझना कि क्या जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं वो एक ऑथेंटिक कॉलेज है या नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि आप डिग्री ले लो और फिर वो कॉलेज का ही नाम बर्बाद है और आप उस डिग्री को आगे यूज ना कर पाओ. तो प्लीज इन सब चीजों को चेक करना. सेकंड, आपको प्रोग्राम चेक करना है कि क्या आप जिस कॉलेज के बारे में सोच रहे हो वहां पर एमएससी बॉटनी से कराई जा रही है, जुआलॉजी से कराई जा रही है, क्योंकि एमएससी जो है ये काफी हायर एजुकेशन में आता है और ये हर एक यूनिवर्सिटी, लाइक यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं करूंगी लेकिन कॉलेज जो है वो हर एक कॉलेज नहीं कराता, स्पेशली फॉर द बॉटनी एंड जुआलॉजी. मैथ तो हो जाएगा, अब क्यों नहीं कराता है बॉटनी जुआलॉजी, बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स होते हैं. ओके, तो इसीलिए पहले चेक कर लेना कि जिस कॉलेज का आपने दिमाग में रखा हुआ है क्या वहां पर एमएससी बॉटनी होता है, क्या एमएससी जुआलॉजी होता है या नहीं होता है, ठीक है. उसके बाद आपको फैकल्टी चेक करनी होगी कि वहां की फैकल्टी कैसी होती है. लाइक आपको पता है कि एक जगह कोई भी कॉलेज है तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ जुआलॉजी केमिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट्स अलग हैं. तो क्या डिपार्टमेंट जो एक है बॉटनी का वो अच्छा है, क्या जुआलॉजी का अच्छा है, क्या केमिस्ट्री का अच्छा है, तो डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा पता कर लेना, उसके बाद ही एडमिशन लेना. क्योंकि जब आप 2 साल देने जा रहे हो तो उसे अच्छे से देना. आप ऐसे जगह मत जाना जहां आप इंटरेक्ट ही ना कर पाओ अपने प्रोफेसर्स, अपने टीचर्स के साथ, और 2 साल केवल लगे कि मैं गई हूँ या गया हूँ, मैंने सिर्फ पेपर दिए एंड डन, ठीक है, एमएससी खत्म. तो वो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, प्रोफेसर्स की गाइडेंस बहुत जरूरी है. तो डिपार्टमेंट जरूर से जरूर चेक कर लेना. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज योर फैसिलिटी. फैसिलिटीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या जिस कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे हैं वहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल्स आर द हार्ट, ठीक है, दे आर द हार्ट ऑफ होल लाइक आवर साइंस. अगर प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो फिर आप साइंस में क्या पढ़ रहे हो आप खुद ही जानो, ठीक है. प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है, इंटरेस्टिंग होता है,
तो आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में पता कर लेना चाहिए कि भाई मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ क्या वहाँ प्रैक्टिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देन रेप्यूटेशन जरूर चेक करना है कि मैं जिस कॉलेज में जा रहा हूँ वो किस ग्रेड पे आ रहा है, मतलब अच्छा कॉलेज है या नहीं है, ठीक है। मजबूरी में, बहुत 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 मजबूरी में किसी लाइक ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। वैसे ऐसा वैसा कॉलेज तो एमएससी बॉटनी जूलॉजी कराएगा नहीं, लेकिन अगर अगर ऐसी जगह तुम ले रहे हो तो प्लीज बहुत मजबूरी में लेना, ऐसे मत लेना, ठीक है, क्योंकि फिर वो साल खराब हो जाएगा। हायर एजुकेशन की तरफ आप जा रहे हो तो अच्छी जगह जाना, ठीक है। उसके बाद आपको रैंकिंग चेक करनी है उस कॉलेज की, प्लस आपको हॉस्टल, मान लो कि आप 50 किलोमीटर 120 किलोमीटर आप दूर रह रहे हो, तो वहां पे जो आप कॉलेज में जा रहे हो, जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, वहां पर हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज है ये भी चेक कर लेना, वहां के जो हॉस्टल की फी स्ट्रक्चर है वो भी चेक कर लेना, सो डेट ये आपके लिए इजीनेस होगा। प्लस स्कॉलरशिप भी चेक करना अगर टाइम होगा कि क्या मुझे इस यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना, और क्या मुझे आगे चल करके इस कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलेगा, तो स्कॉलरशिप वाला पॉइंट भी आपको चेक कर लेना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। अकॉर्डिंग टू मी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ रही बात आपके सिलेबस की, तो बॉटनी जूलॉजी के सिलेबस मैं अपलोड कर दूंगी, प्लस मैं आपको थोड़े कॉलेजेस के बारे में भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो उसके लिए मुझे पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ एंड मैं दोनों ही साथ रहेंगे तो वहां बात करेंगे इन सब बारे में। द नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन सभी जर्नी में। अपने आप को हमेशा से प्रायोरिटी देनी है, अपनी हेल्थ को अच्छी रखनी है, क्योंकि हेल्थ अगर डाउन हो गई तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी, ठीक है, और वो प्रायोरिटी आप होनी चाहिए, तो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। एंड सेकेंड योर माई टिप इज योर एक्सप्लोर, ठीक है। आप एमएससी में एडमिशन ले रहे हो तो एक्सप्लोर करना, ये ही नहीं कि केवल भागे दौड़े और बस हो गया, एक्सप्लोर करना, कॉलेज लाइफ को जीना और कॉन्फिडेंट रहना। एमएससी है, बीएससी है, कहीं भी जाना है, बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको कहीं भी एंटर करना है और बहुत अच्छे से अपने जो रैंकिंग है उसको अपग्रेड करना है, ठीक है। आपको ये सपना रखना है कि हाँ मैं जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाऊं तो मेरे पास एक लास्ट में एक ट्रॉफी जो है वो मेरे हाथ में हो या फिर गोल्ड मेडल हो, तो ये सारे सपने लेकर के जाना। क्योंकि जब आप लाइक मेरे घर में कहा जाता है कि जब आप आसमान तक का सोचते हो तो अगर आसमान तक नहीं पहुंचोगे तो खजूर के पेड़ तक तो एटलीस्ट रहोगे ही, तो कोशिश करना कि जितना ऊपर हो सकता है सोचो और अपने सपनों को बड़ा रखो, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा या आप किसी और टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते होंगे तो जरूर से जरूर अपनी क्वेरी को कमेंट करिएगा, मैं उसमें आंसर करूंगी एंड पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो नाउ, अभी लाइक कर दो इस वीडियो को। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।